एक बार फिर शहीद हुआ कांगड़ा का जवान। सड़क पर चलते हुए गाड़ी ने रौंद डाला, दो नन्हे मुन्ने बच्चों के सर से उठा पिता का साया, घर में मच गया कोहराम। पहाड़ का युवा जब जवानी में कदम रखता है तो उसका जुनून भारत माँ की रक्षा के लिए साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसीलिए पहाड़ से ज्यादातर युवा सेना में जाते हैं, भारत माँ की सरहद पर देश की हिफाजत करते हैं। कई सैनिक भारत माँ की रक्षा करते हुए अपने प्राण तक त्याग देते हैं। ऐसा ही एक जवान पालमपुर का है जो अरुणाचल में जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स में तैनात थे। अरुणाचल में वे अपने दोस्तों के साथ शाम को सड़क पर जा रहे थे कि तभी एक गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी, जिससे प्रवीण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य साथी घायल हो गए। प्रवीण पालमपुर के पंचायत कंडी के द्रोवी गाँव के रहने वाले हैं। प्रवीण की उम्र 32 साल की बताई जा रही है और कुछ ही साल पहले उनकी शादी हुई थी। प्रवीण अपने पीछे माता पिता पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं। परिजनों को जैसे ही उनकी मौत की खबर मिली, पत्नी और माता पिता का तो रो रो कर बुरा हाल है। उनकी मौत की खबर तहसीलदार सार्थक शर्मा से मिली है। शनिवार सुबह जब उनका पार्थिव देह घर पहुंचा तो हर तरफ चीखों पुकार मच गई। वहां मौजूद हर किसी की आंख नम थी। उनके घर के साथ लगते शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।